नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। गुना, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन के कारण ही आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाकर देश को सम्मान दिला रही है। इसी का उदाहरण अभी उन्होंने पुलवामा हमले का बदला लेकर सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को जवाब दिया। विधानसभा सम्मेलन के मुख्य अतिथि लोकसभा प्रभारी महेंद्र यादव ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि श्री यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार गांव, गरीबों और किसानों की सरकार है। आपके वोट से देश का मजबूत प्रधानमंत्री चुना होगा और आपके एक एक वोट से तय करे कि इस देश को ईमानदार और 18 घंटे काम करने वाले सच्चे चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी जी को चुनकर चुनाव चिन्ह कमल को अधिक से अधिक मतदान कराकर भाई केपी यादव को भारी मतों से जिताएं। इस क्षेत्र के सांसद देश के गद्दारों के साथ खड़े हैं। वह ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह नारे लगाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। यह बात भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव ने ग्राम डोमेला में बमोरी विधानसभा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। श्री यादव ने कहा कि जो सांसद 17 सालों में इस क्षेत्र का विकास और प्रगति के काम ना करा सका हो, वह क्षेत्र में कोई उद्योग, कॉलेज, पीने का पानी आदि बुनियादी सुविधाओं ना दे सका हो, आखिर ऐसे सांसद को हम क्यों चुने? नहीं समझेंगे भाई, ये तो राजा महाराजा लोग हैं, षड्यंत्र पूर्वक काम करते हैं और इसका उदाहरण कल आप लोगों ने सुन लिया होगा। बीएसपी से कोई प्रत्याशी थे, उन्हें भगवान जाने इन्होंने डराया धमकाया कि लोभ लालच दिया। ऐसा मैंने पहली बार सुना है कि कोई प्रत्याशी खड़ा हो, मैंडेट मिल जाए, चिन्ह आ जाए और दूसरे दिन ही पता लगे कि वो बिना अपनी पार्टी के अनुमति के, बिना किसी से सलाह किए हुए इनके चरण चुम्बन करने चला जाए। जो कल तक इनकी बुराई कर रहा था, मैं समझ ही नहीं पाया कि ऐसी दबाव की राजनीति कब तक चलेगी और कब तक हम गुलाम बने रहेंगे। हमें इन बेड़ियों को तोड़ना होगा भाई। उन्होंने कहा कि स्वयं को महाराज कहलवाने के लिए ये सदैव कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या करते रहे हैं, जैसे लोग इस बात का प्रमाण है। इसलिए राष्ट्र और क्षेत्र के सम्मान के लिए इस बार भाजपा का सांसद चुने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर देश के साथ इस क्षेत्र से भी भागीदारी बने। इस क्षेत्र से, आपके बीच से, आपका बेटा, आपका भांजा, आपका भतीजा, आपकी आवाज दिल्ली के संसद में उठाएगा। इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए, इस शहर के लिए जो बन पड़ेगा वहां से अपनी आवाज उठाएगा और लेकर आएगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। खबर समय जगत के लिए गुना से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।